फ्रेंड्स वेलकम टू आवर न्यू वीडियो ऑफ पंजाब नेशनल बैंक तो फ्रेंड्स पंजाब नेशनल बैंक एक पी एस यू बैंक है और फिलहाल में जो है मार्केट में पी एस यू बैंक्स को लेके काफ़ी बुलिश बोला जा रहा है काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें पी एस यू बैंक्स में देखने को मिल रही है वन ऑफ द बैंक इज़ पंजाब नेशनल बैंक तो फ्रेंड्स अगर पिछले वन ईयर का चार्ट हम उठा के देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का तो ये नियर बाय थर्टी जाता है फिर एक अच्छा रिटर्न देता है उसके बाद फिर से नियर बाय थर्टी थर्टी फाइव जाता है फिर से अच्छा रिटर्न देता है और ये ट्रेंड हमें कंटिन्यूसली देखने को मिला है तो अगर रिसेंटली भी अगर हम बात करेंगे अगस्त मंथ में यानी अगस्त मंथ वो भी अगस्त मंथ का एंड है मतलब सप्टेम्बर अगर हम कंसिडर करेंगे तो आप देख सकते हो कि नियर बाय थर्टी फाइव रुपीज़ से ये शेयर जो है ऑलमोस्ट फोर्टी एट पॉइंट ट्वेंटी रुपीज़ तक गया था मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ से लेके आगे की रैली तो मोर देन 35 परसेंट के रिटर्न्स जो है इस पर्टिकुलर शेयर ने उस टाइम फ्रेम में दिए थे तो उसके बाद हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला अगर लास्ट वन वीक की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो कि 48 के बाद जो है शेयर में कंटिन्यूसली हमें गिरावट देखने को मिल रही है और वन ईयर का चार्ट मैंने इसलिए दिखाया फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर बाइंग पोजिशन का चांस मिलता है और यहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर कर सकते हैं ऐसा ही जनरली इसमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो शायद अभी यहाँ पे जब था फोर्टी एट रुपीज़ के आसपास तो उसके बाद गिरावट जो वन मंथ का चार्ज दिखाता हो तो उसके बाद जो गिरावट चालू हुई शायद हमें फिर से एक आ, बाइंग पोजिशन का चांस मिल सकता है यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म कंसिडर करना है ये शेयर तो डेफ़िनेटली जो है अच्छे खासे रिजल्ट मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में क्योंकि इसका अगर हम चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चार्ट था इसका एक समय पे जहाँ पे ये शेड ऑलमोस्ट 231 का इसने हाई बनाया था और ऑल टाइम हाई भी देखेंगे हम तो ऑलमोस्ट टू एटी के आसपास इसका हाई है लेकिन वो बहुत पुरानी बात है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो फाइनेंशियल स्टेटस था पंजाब नेशनल बैंक का वो अलग था और उसके चलते जो है अच्छे खासे प्राइजेस हमें देखने को मिले हैं पंजाब नेशनल बैंक में उस टाइम फ्रेम में तो अभी फिर से फाइनेंशियल्स अगर अच्छे बनते गए पंजाब नेशनल बैंक में तो अच्छे खासे रिटर्न भी उसके इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेंड्स एक बड़ा अपडेट डिस्कस करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में कि कैसे पी बैंक के ऊपर फोकस इस मार्केट में बढ़ रहा है और किस तरीके से जो है पी एस यू जो है अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं और अच्छी तरीके की डिसीजन भी ले रहे हैं बिजनेस एक्सपेंशन के लिए तो उन्हीं में से पंजाब नेशनल बैंक का रिलेटेड एक अपडेट उससे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आपको मेरे चैनल पे सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग शेयर्स और उनके उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहेंगे वो मिलते रहेंगे तो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि पंजाब नेशनल बैंक राइजेस वन करोड़ मतलब ऑलमोस्ट टू थाउजेंड टू थाउजेंड करोड़ हम बोल सकते हैं वाया बॉन्ड्स तो बॉन्ड्स के थ्रू जो है पंजाब नेशनल बैंक ने जो है इतना जो फंड है वो रेस कर दिया है अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डेफिनेटली ये फ़ंड जो है पंजाब नेशनल बैंक को ग्रो करने में हेल्प करेगा और उसी के चलते जो है ये लेटेस्ट अपडेट था फिर इनिशियल डे में हमें जो है शेयर थोड़ा बहुत गिरावट के साथ देखने को मिला था लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखने को मिली जहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर जो है ऑलमोस्ट 2.46 परसेंट जो है लास्ट सेशन में क्लोज हुआ तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था फ्रेंड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था इस वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल